हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो 18वीं सहरी मुबारक हो आप सभी को, ठीक है। सो अभी मैं बैठा हूँ सहरी करने, शिरीन अंदर चेंज कर रही है तो वो आ जाएगी, तो वो भी सहरी करने बैठ जाएगी। तो आज सहरी में मैं आपको बता देता हूँ, पिछले ब्लॉग में बता दिया था एंड करने से पहले, तो मैं अभी फिर बता देता हूँ कि मैंने लेके आया हूँ इडली, ठीक है। इडली लाया हूँ तो हैवी भी हो जाएगा और सीने में जलन वगैरह नहीं होगा उस वजह से। और शिरीन बस मैंगो जो जूस उसने अम्मी के वहाँ से लाई थी वो पिएगी और खजूर खाएगी और पानी पिएगी, उससे ज़्यादा वो नहीं खाने वाली कुछ भी। सो अभी फटाफट से सहरी कर लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपसे हम लोग मिलते हैं। सो बने रहिए वीडियो। तो गाइज़ यहाँ पर देखो, मैं खा रही हूँ आम रस और एक खजूर और वहाँ पर पानी है जहाँ पर कैफ अपना इडली खाते बैठे। वहाँ पर बताना कैसा खा रहा हूँ इडली, ऐसे ही खाते हैं हम, पहले से मैं ऐसे ही खाता हूँ इडली। तो खाओ, मैं कहूँ कि मत खाओ। तो चलो मैं फटाफट आम रस खाती हूँ, फिर खजूर खाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर नियत करती हूँ। अभी ना इसकी दोस्त आई थी शोनी और उसको जा रही नहीं थी, तो आंटी कब से बुला रहे चल चल चल। तो ना मैंने उसको ना चिप्स दी, ना पोफक दी, तो बराबर ली, ओके मुंडी टर्न कर दी और अभी चले गए बाय करते हुए मस्त में। और ये जो टॉप है ना गाइस, जरा खोलो ये टॉप है ना, अब देखो क्या बोला करने तूने, वो नहीं की ना। चल चल, तो ये जो टॉप है ना गाइस, ये टॉप है ना जूली आंटी ने ना अम्मी को देते, मतलब यही नहीं दिया था, बहुत सारे थे ना, तो उसमें ना ऐसे जोड़ी जोड़ी थे, तो अम्मी ने बोले थे कौन सा चाहिए, तो मेरे पास ना ज़्यादा ये साइज में इतना बड़ा नहीं था ना, इतना बड़ा टोप नहीं था मेरे पास। ये है जर्मन का बर्तन, समझते हो ना। तो मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का करण जोड़ लगा अभी, तो ये एक है, फिर उसके अंदर एक ये है, फिर नहीं ना, ना सा एक बच्चा भी है। तो कितना प्यारा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा वो जो बनाते हैं ना चिकन के सालन से, थोड़ा थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस अभी हम लोग बाजार आए हैं लेने के लिए सामान, क्योंकि ज़ैनब तो है नहीं, ज़ैनब ने बोले आज की इफ्तारी मुझे बनाने के लिए। तो अभी चिकन ले लिया है, हरा मसाला ले लिया है, नींबू इतने छोटे छोटे 15 के 2 दे रहे हैं, बताओ इतने छोटे नींबू अभी 15 के 2, बोले मैंने ली ही नहीं, अभी आगे जाके देख रही हूँ। और मेरे को ब्रेड क्रम भी लेने का है, तो देखो ना सब निकला था सामान मैंने, तो मैं अभी ब्रेड क्रम लेना है, ब्रेड क्रम लेके फिर मेरे को आई होप कि मुझे यहाँ नींबू मिल जाए और थोड़ा सही रेट पर मिले, क्योंकि मुझे तो आता नहीं ऐसे सब भाव ताव करना। और मुझे 20 रुपये का हरा मसाला दिए इतना सा, लाया था उस दिन इतना सा। हाँ मैं भाई को बोली भी, भाई ये 20 रुपये का, तो हाँ बोल के मेरे को दे दिया जान लेने का। आज मैंने 15-20 के 3 नींबू ले लिए और मुझे 10 का 1 नींबू दे रहा था वो लड़का, मैंने नहीं लिया, अच्छा मैंने नहीं ली नींबू, 10 का 1 यही साइज है, 20 के 3 मुझे था 20 का 3 नहीं बोला था, 10 का 1 ही दूंगा, 10 का 1 ही दूंगा। 15 के 2 बोला था, मुझे नहीं आता यार। चलो पकड़ के बैठ, कैफ मत बेटा, तो तुम कैसे कितना खुश होता है, बाप रे बाप कैसे जा रहा है, बदला ऊपर चिपक के। इतने साल मेरा बचपन है यहाँ पर गुजर गया, अब गुजर गया क्या, मैं यही बचपन से रहती हूँ, मतलब 21 साल का ना, 21 पता नहीं 21 के 22 की उम्र। तो इतने साल में यहाँ पर कभी जल्दी आम कैरी कुछ भी नहीं, आम कैरी तो एक ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आता था झाड़ में। तो देखो अभी यहाँ पर मैं जस्ट जैसे मेरी नज़र ऊपर गई, तो देखो एक इधर मुझे कैरी दिखी, एक इधर दिखी, और भी होगी शायद, पर मेरी नज़र कमज़ोर है, बस ये 2 चमकते हुए दिखी ना मेरे को। तो एक सेकंड, कहाँ गई,
तो वो कर सकते हैं। हाँ ये देखो गाइस कितनी बड़ी है ना, क्या कब बोलूंगी। तो गाइस अभी मैं अम्मी के यहाँ जा रही थी, ये देखो बाइक लेके लिफ्ट के से बोलते मैं भी आ रहा बाइक लेके, ये देखो कैसे छुप के मेरे पीछे। अरे क्या पागल बच्चा, बंद कर दे लिफ्ट। हम लोग जा रहे हैं अम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक सामान है ना वो मुझे अम्मी के ही मिलेगा तो वो ले लूंगी। थैंक यू। टिकली 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 जल्दी बच नहीं आ रहे बोले नाच 1 2 3 बच्चा। अच्छा क्या बोलूं, अरे तो तू बताएगा तो वैसा बोलूंगी ना। मजड़ी मजड़ी काट रहे किसके साथ? अम्मा के साथ। ओके तो गाइस यहाँ पर देखो समदानी ने अभी ना वजड़ी काट रहा है अम्मा के साथ उसने, है ना। समदानी एक बहुत हेल्प करता है, है ना, बड़ा हो गया मेरा बच्चा, है ना। तो चाय बिस्किट खाएगा, पूरी चाय, अरे पूरी पहले जल्दी बोलना जल्दी क्या बोलना। मेरे चाहिए कांदा है, गोशे गोशे, और ये चुनचुने मैं काट रहा हूँ वजड़ी, और मैं काट रहा हूँ वजड़ी। अभी अम्मा के साथ घी वाले चावल के साथ वजड़ी खाऊंगा, घी वाले चावल के साथ घी खाऊंगा, घी खाऊंगा। यम्मी 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 स्ट्राइक की फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, आई लव यू, आई लव यू स्ट्राइक की फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, मिस यू मिस यू। इधर सब्सक्राइब करो मेरी मम को, लाइक करो, बटन प्ले भी नहीं आया, नहीं आया इसको बटन, बोलो ना तुम लोग पब्लिक अगर लाइक करेंगे तो बटन प्ले आएगा मेरी मम को, जल्दी बोलो, बोलो सब्सक्राइब करेंगे तो बटन प्ले आएगा मेरी मम को, बोलो जल्दी बोलो। सब्सक्राइब करो मेरी मम को, जल्दी से गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो गाइस ये देखो बिल्डिंग में बंदर आके बैठा हुआ है, यहाँ पे अब कैसा आया कहाँ से आया, नहीं यहाँ पे सा है जगह तो है वैसा आने की। ए चलो ठीक है, लोग भी आ गए, अभी अभी जा रहा हूँ ऊपर, घर पे एक पार्सल है वो पार्सल डिस्पैच करना है तो वही लेने जा रहा हूँ मैं, फटाफट डिस्पैच करता फिर आप। गाइस अभी मैं ज़ैनब के यहाँ पर आ गए, इतना पूरा ये टब भर के पूरे बर्तन ऐसे ही थे, पूरे बर्तन में आके लगाई, आज लगभग 4-5 दिन के ऊपर हो गया उसकी काम वाली नहीं, ये एक तेल की बॉटल घस के नहीं रखी, जबकि मैं उनके लिए मैं इतने सारे बर्तन धो के रखती हूँ कि नहीं चल उनको ज़्यादा पड़े ना। हाँ इतने दिन से मैं तेल की बॉटल रखी हुई हूँ कि वो घसेंगे करके, मैं देखना चाहती थी घस तो मैं भी सकती हूँ, पर बोलते ना फिर भी हमको देखना कि वो सिर्फ बर्तन का 500, कपड़े का 500, फिर उसके बाद में लादी का 500, 3000 वो कितना हो गया 1500 वो, और 500 कपड़ा डालने का सिर्फ सुखाने, 2-2.5 हज़ार में महीने का लेके जा रहा है, और जबकि कितनी तो छुट्टियां होती है, और ज़ैनब तो ज्यादा कपड़े भी निकालती है क्योंकि ज़ैनब अकेले रहती है, समदानी के तो इतने कुछ होते नहीं है, समदानी वो सिर्फ समदानी के निकलते, ज़ैनब की एक नाइटी निकलती है बताओ, उससे भी इतना हो ये लोग को। अभी छोड़ो अभी यहाँ पर चिकन मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और अभी मैं आगे बताती हूँ मैं बना रही हूँ अभी चिकन चीज का, अपना भूल गया यार मैं चिकन क्या बना रही, मैं बोली चिकन चीज रोल चिकन चीज़ रोल बना रही हूँ मैं, तो फटाफट अभी आपको सब पहले कर लूँ चिकन को, थोड़ा कटिंग वटिंग कर लूँ फिर मैं आपको बता दूँ। सो गाइस यहाँ पर देखो अभी मैंने चिकन को कट कर लिया, और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 1 स्पून मस्का, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं डालूँगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने कुछ 4-5 मैंने मिर्ची ले ली है अपने तीखे के हिसाब से आप लोग ले सकते हो, और इसमें मैंने ना एक नहीं मतलब मैंने 1.5 कांदा लिया है, क्योंकि मैंने 1/2 किलो चिकन लिया था ना, तो 1.5 कांदा लिया है, और एक कोथमीर कांदा मैं डाल देती हूँ, आपको बताता कांदा मैं डालू मैं, क्योंकि एक हाथ से शूट कर रहा ना इसलिए। तो गाइस मैंने कांदा कोथमीर और हरी मिर्ची और एक चम्मच मस्का भी डाल दिया इसमें, और इसमें भी चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, नमक, ब्रेड क्रम्ब और ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर और
जीरा पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम ये डाल देते हैं, फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं हरी चटनी बना रही हूँ, चटनी कल की ख़त्म हो गई थी, तो वही सेम प्रोसीजर है। तो मैं चटनी बना रही हूँ, बस अब इसको मैंने थोड़ा ग्राइंड किया, थोड़ा सा पानी डालूँगा ठंडा, फिर उसके बाद में चटनी हो जाएगी। फिर वो मैंने जब तक चिकन मैरिनेट उन्हें फ्रीज़र में रखी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने सब बैटर भी यहाँ पर पूरा ख़त्म हो चुका है, बाकी के रोल्स यहाँ पर फ्राई करके रखती है, और थोड़ा और बैटर बचा था तो थोड़े और रोल बनाने के लिए रखे थे। और इफ्तार में तो खा ली है, मैंने शूट भी नहीं करा क्योंकि मैं अकेले कर रही थी सब, इसलिए। तो चटनी तो मेरी रेडी हो गई, और मैंने चटनी में गाइस ऊपर से थोड़ी दही भी डाली थी, तो वहाँ पर और दही तो अभी बाहर है, मैं आप लोगों को बता दूँगी। और यहाँ पर जो बैटर बनाया था वो देखो, अभी मैंने प्लेट ली, प्लेट के ऊपर फॉइल लगे, फॉइल के ऊपर मैंने ऑयल लगाया, ऑयल लगा के मैंने बैटर को ऐसा फैला लिया। फिर उसके बीच में मैंने स्लाइस वाली चीज़ रखी है, ठीक है, और तेल मैंने गरम होने रखा है क्योंकि मैंने अभी बंद किया था इसलिए। और यहाँ पर मैंने एक रोल बना के रखा है, तो इसको हम पहले लेंगे, लेके इसको डालेंगे हम अंडे में अच्छे से, ठीक है। और इसको हम कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर बनाएंगे, फिर बार कॉर्नफ्लावर ही निकलता है ब्रेड क्रम में, हम अच्छे से इसको ये कर लेंगे। और कहीं अंडा ज़्यादा ना लगा तो ही बेटर है, क्योंकि कैसा है ना कि अंडा फटाक से पकड़ लेता ना, तो ऐसा लगता है कि हमको रेडी हो चुका है इसलिए। तो ये अभी हम एक डाल देंगे फ्राई होने, ठीक है। और इसको धीमी आंच पे फ्राई करना है, फिर उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ कैसे बाहर निकली हुई है। तो इसको बीच में से कट करोगे ना, तो ये मैंने अभी उल्टा भी फ्राई की थी, इस वजह से वैसा दिख रहा है ना, ये देखो यार, हाँ ये देख सकते हो बीच में चीज़ है, और कम यहाँ ये देखो, ये देखो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को एक बाद में आराम से तोड़ के रखती हूँ, पहले मैं इतना फ्राई करके ले रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कितना अच्छे से ब्रेड क्रम भी लग गया, और इसको हम अभी मैंने तीन डाल दिया, ठीक है। और इसको बन कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक हाथ से कर लूँगा तो इसके लिए मैं प्रॉपरली बता देती हूँ। हाथ में से बॉयल रहना चाहिए, और हल्के हल्के हाथ से ना फिर इसको हमको ऐसे क्लोज करते जाना, ठीक है। अगर इस अगर चीज़ दिखती भी है ना तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बाद में वो हम जब ब्रेड क्रम और अंडे में हम जब वो कर देते ना, इसको मिक्स करके अच्छे से रोल कर लेते ना, तब सही हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से ज़्यादा परेशान मच्छर की वजह से ही होती हूँ, और मेरे एक हाथ से मैं शूट करी तो गाइस आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, और मैं बस स्टैंड भी नहीं है, स्टैंड तो मेरे घर पर है इस वजह से प्रॉपरली मैंने बताया। और मैंने जो जो बताया वो तो आपको मैंने इसके अंदर का बेहतर बता दिया है, मांगता तो ब्लॉग के एंड में भी आपको मैं अच्छे से बता दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर ही स्लो में प्रॉपरली फ्राई हो रहा है, ठीक है। और इसको हम अंडे में वो कर लेंगे, और ज़्यादा अंडा मैंने एक ही अंडा फोड़ा है, और एक ही अंडे में मैंने सब करके लिया। जब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डालते हैं ना प्रॉपरली इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे, चीज़ भी बाहर नहीं निकलेगी, सब कुछ प्रॉपर रहेगा, और शेप भी इजीली हम कर सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पर बना के रख दिया, अभी जब तक ये अच्छे से नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको भी थोड़ा पलट देंगे, फिर इसको इस तरफ भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम और पलट देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो स्लो स्लो सेकेंगे और फास्ट पे नहीं रखना, नहीं तो ना ब्रेड क्रम जलता है तो बहुत अजीब सा लगता है उसका, ठीक है। सो गाइस यहाँ देख सकते हो किचन विचन हो चुका है एकदम क्लीन, और बस इतने से ही रोल बचे और पूरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर मैंने
थोड़े से बर्तन कस के रख दिए, और सब मावशी के लिए मैंने सिर्फ ये दो बड़े थाल और एक पैन और दो छोटे प्लेट उतने रखे। और सो गाइस ये रही चटनी, बस मैंने चटनी सेम ही बनाई थी और इसमें बस मैंने ऊपर से दही डाल के एक और बार ग्राइंड कर लिया था और कुछ भी नहीं, बाकी सब रेसिपी वेसिपी सेम है। तो ये थोड़ी कैसे है ना कि ग्रीन वाली थोड़ी तीखी हो जाती है, तो जैसे कोई खाता नहीं है तीखा तीखा ज़्यादा, तो उनके लिए दही डाल के हम बना सकते हैं। सो गाइस सब काम हम हो गया और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर अम्मी के पास, और अम्मी बचड़ी बनाना तो अम्मी मेरे को बुला रहे थे खाने के लिए, बट मैं अभी तो कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत खाली रोल, बहुत टेस्टी बना, बहुत हैवी भी है। तो मैंने दो रोल अम्मी के लिए पहले ही फ्राई करते करते निकाल लिया था, तो मैं अम्मी के लिए अभी लेके जा रही हूँ। अब पता नहीं अम्मी खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि हम मैंने बताया था कि अम्मी के लिए बहुत नाटक रहते, मैं ये नहीं वो नहीं, आई होप कि अम्मी खावे। तो मैं लेके तो जा रही, अगर नहीं भी खाए तो बच भी गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं खा लूँगी। और सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आँखें बहुत ज़्यादा दुख रही है, तो मैंने बोला कि अब बस हो गया शरीन, जो चश्मा बना के ऐसे फेंका हुआ है ना अभी, जैसे टेढ़ी मेढ़ी दिखे जो भी दिखे पर पहना कर, अब मैंने पहन लिया अभी मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी आँखों में और एकदम चक्कर चक्कर जैसा लग रहा है। चलो जा रही घर पर, आपसे मिलती हूँ अम्मी के आ। तो गाइज़ मैं घर पर आई थी और आके अभी थोड़ी देर बेड मैं बेडरूम में ही थी, लेटी हुई थी, मेरी सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, जैसे मैंने बताया था मैं चश्मा पहनी थी, और आपको आप देख सकते हो आप कैसी हो गई है मेरी एकदम, और हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी एकदम, देखो कैसे एकदम आग भी नहीं एकदम खुल रही है, और मेरे को कैसे जिद करके बोल रहे कि चल चल जाएंगे दीदी के यहाँ जाएंगे, मतलब ज़ैनब के यहाँ जाएंगे, तो उनको ज़ैनब के यहाँ लेके जा रहे जान बूझ के, मेरा मन भी नहीं है अभी कहीं जाने का, मेरे को ऐसा लग रहा है बस घर के अंदर पड़ी रहूँ और पड़ी ही रहूँ, निकलूँ ना, सच्ची में ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना अचानक से सर दर्द चालू हो गया ना, मेरे को समझ ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दर्द देने लग रहा है कि जबकि मैं जितना फ़ोन यूज़ करती थी उससे क्या हो, मतलब नहीं के बराबर यूज़ करी, बस शूट करने का सिर्फ उतना ही, और थोड़ा सा ऐसा इंस्टा ओपन कर रही फिर बंद कर दे रही, यूज़ भी नहीं कर रही मैं ज़्यादा फ़ोन, फिर भी मेरे हाथ में ज़्यादा तकलीफ हो रही। अभी अल्लाह बेहतर जाने, तो चलो कोई बात नहीं, जैनब के पहुँच के मिलते। सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं हेड टाउन, सो बस ये ब्लॉग का एंड यहीं कर रहे हैं हम लोग, और वी होप कि आज की जो रेसिपीज थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज़ बहुत से लोग का कमेंट्स आ रहे हैं कि गाइज जैसे कि शिरीन दीदी हम लोग ने आपकी रेसिपीज ट्राई की है, अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको भी ये जान के, हाँ शिरीन बहुत अच्छा लगा ये जान के कि लोग अपनी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। और आज की रेसिपी गाइस मैंने बहुत मेहनत से शूट करी अकेले। जी हाँ शिरीन अकेले थी घर में, मैं था नहीं, तो शिरीन ने अकेले शूट किया है, और उसको देखो बता गाड़ी लेके चल रही टाइम पे बॉम्बे नहीं हो पाएगा, तो जो भी है बॉम्बे का सीन जैसा भी है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। तो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शिरीन ब्लॉग्स। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड समझा नहीं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस।